प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं गॉस थ्योरम के हिंदी मीडियम फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर का अंतिम सवाल लेके आया। अंतिम प्रश्न क्या है, पांचवा यूज है गॉस के प्रमेय का। दोस्तों ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से स्थिर विद्युत बल के लिए कूलम्ब का जो नियम आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था उसको सिद्ध करना है, उसको प्राप्त करना है। गॉस का थ्योरम बड़ा काम है, इससे हम लोग एक बहुत बड़ा नियम जो स्थिर विद्युत बल का जो कूलम्ब का नियम था वो भी सिद्ध किया जा सकता है। कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसके ही सवाल होता है। कॉस के प्रमेय की सहायता से स्थिर विद्युत बल का कूलम्ब का नियम प्राप्त करें। आइए दोस्तों, तो हम प्राप्त करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, आपने ये पढ़ा था कूलम्ब के नियम में दो आवेश होते हैं, तो हम लोग भी वही करेंगे, दो आवेश लेंगे। और गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्लोज सरफेस की जरूरत होगी, इसलिए क्लोज सरफेस भी चाहिए। तो दो आवेश x मान लेते हैं q1 है, दूसरा q2 है, ये दो आवेश हैं। q1 q2 टू चार्जेस है, इसमें से एक चार्ज q1 को सेंटर मानते हुए इनके बीच की दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक गोलाकार गॉसियन सरफेस खींचते हैं, जो भी आपको दिख रहा है। ये मानते सेंटर O है, ये पॉइंट हमारा P है। P पॉइंट पे Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और आपको पता है एरिया वेक्टर भी हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये भी बाहर की तरफ होंगे। अब आप इसको लिखते हैं फिगर में जो बनाया, सबसे पहले दो चार्ज लिया। माना कि Q1 एवं Q2 दो आवेश R दूरी पर स्थित है। Q1 को केंद्र मानकर एवं आर को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचते हैं। या फिर लिखिए एक गोलिए गॉसियन सरफेस खींचते हैं, गोलिए गॉस का सतह खींचते हैं। तो गॉस के परमे से दोस्तों हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था Q/ε0। चार्ज जो गोली के अंदर है वो Q1 है, या Q1 कर दो, और फाई को लिख सकते हैं EA cos θ। दोस्तों फाई का फॉर्मूला होता है EA cos θ। अब आपको पता है किसी भी गोले का क्षेत्रफल 4πr² है, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0° होगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, इस तरह से ई पहले आप ई निकाल लें 1/4πr² εQ1 Q1 by εo कर लीजिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला, इसको अरेंज करेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ और Q1 बाई R स्क्वायर को अलग करेंगे। अब आप फोर्स निकालें, नाउ फोर्स ऑन Q2 चार्ज, इतना इंग्लिश दे सीखोगे तो 100 नंबर का एग्जाम कैसे पढ़ोगे। नाउ फोर्स ऑन Q2 चार्ज, इसको F लिखेंगे, फोर्स का फॉर्म है Q इंटू E होता है दोस्तों, Q Q2 पे फोर्स लग रहा है और E का मान है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कीजिए, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर कर दीजिए। तो आप याद कीजिए कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले चैप्टर में आपने क्या ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? पढ़ा है सर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? कूलम के नियम, ये फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब कूलम का नियम प्राप्त हो गया। अतः स्थिर विद्युत बल का कूलम का नियम प्राप्त हुआ, प्रूफ लिख सकते हैं, मतलब प्रूफ करने का है या वेरीफाई सत्यापित करने का लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कॉसेस थ्योरम समाप्त हुआ। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, फिर से समझने, सबसे पहले आप दो चार्जेस लें, एक क्यू वन दूसरा क्यू टू, बीच की दूरी आर है। अब Q1 को सेंटर मानते हुए, R को त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय कॉस का सतह खींचिए, फिर कॉस थ्योरम बनाइए, फाइ बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो चार्ज है उनको लीजिए, फाइ का एक और फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये कॉस थीटा पड़ा उसको पुट कीजिए, गोलीय का क्षेत्रफल यहाँ बढ़ाइए 4 पाई आर स्क्वायर, थीटा जीरो डालिए, क्यू जीरो डालिए, ये वेक्टर ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और फिर बाकी को नीचे भेज दें, इसको 4 पाई इक्वल रहने दें, बाकी 4 पाई स्क्वायर को नीचे भेजिए, इसको अरेंज करें, ये फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन Q2 चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E, Q2 इंटू E, E का मान आपका निकल चुका है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। इस तरह से स्लेट सजाइए तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, मतलब यही फॉर्मूला तो कूलम्स लॉ है, फॉर्मूला निकला कहाँ से था? कूलम के नियम से, स्थिर वैद्युत बल के कूलम के नियम से। शुरू किया कहाँ पे हमने? गॉस थ्योरम से। अब प्राप्त क्या हो गया? कूलम का नियम। इसी से आप समझ सकते हैं कि गॉस का पढ़ना कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंस है। इस तरह से ये चैप्टर आपका फ्रेश हुआ। हर चैप्टर के प्राप्ति की समाप्ति के बाद हम लोग दोस्तों पावर बैंक पर आते हैं। आइए इस चैप्टर के भी हम लोग इतने इंपॉर्टेंट फॉर्म में उनको एक जगह कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, जिसका नाम पावर बैंक है। की पॉइंट्स हैं बर्ड्स आई, जो नाम ले लें, एनर्जी पैक। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस एक्सरसाइज का शुरुआत किया था विद्युत फ्लक्स का, शुरुआत विद्युत फ्लक्स से हुई थी, विद्युत फ्लक्स से हुई थी जिसको फाई से ड्रॉ किया गया था, जिनका फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बताइए अब ये अदिश गुणनफल होता है जिसकी तीव्रता और एरिया का वेक्टर किसी का। दूसरा फॉर्मूला इसी से निकला था ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। फिर इसमें आपने ठोस कोण पढ़ा था, ठोस कोण इसका जरूरत पड़ गया था हम लोगों को, सॉलिड एंगल छोटे एरिया के लिए डी ओमेगा से जोड़ दिया गया था, इसका फॉर्मूला था दोस्तों बी ए बाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला बताया गया था कुल ठोस कोण का मान, कुल सॉलिड एंगल का वैल्यू, कुल ठोस कोण का कितना मान बताया गया था दोस्तों? याद कीजिए 4 पाई स्टेरेडियन, एस आर बुलाकर स्टेरेडियन। इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ाया गया, गॉस
की परमेसी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बहुत आसान फॉर्मूला निकला था Q/N। इसका मैथमेटिकल फॉर्म था इंटीग्रेशन का साइन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और इधर Q/N। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने किसी आवेशित बेलन या रैखिक आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता निकला, E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आप जैसे लिखिए सर, आर बाद में लिखिए सर, वैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और आसान लगाना चाहो ना न्यूमेरिकल करते समय, इसको 2 से ऊपर नीचे बना करो ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, और 2 लैम्डा बाई आपको कुछ कैलकुलेशन आसान होगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9×10^9 है। ये लैम्डा याद है कि भूल गए आप? ये क्या था? आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व जिसका फॉर्म है Q/L। किसी मोटे आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत तीव्रता भी पढ़ाया गया था, जिसका फॉर्मूला था E बराबर σ/ε0। लेकिन ये पतला सीट हो किसी पतले के लिए, पतले आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत तीव्रता E बराबर इसका जस्ट हाफ हो जाता है σ/2ε0। इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, मोटा है कि पतला है ये ध्यान देना है। मोटे के लिए σ/ε0 होगा और पतले के लिए इसका जस्ट आधा हो जाता है σ/2ε0। बाकी 3-4 फॉर्मूले और बच रहे हैं, उसको आप उसको आप आसानी से लिख सकते हैं, तो बाकी फॉर्मूले आप खुद से कलेक्ट करें दोस्तों और फिर न्यूमेरिकल बना जाए। किसी को कोई डाउट है इतना छोटा क्यों कर दिया? इतना ही है, धन्यवाद।